भागवत जी के अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने किया और ये कथा हम सभी जानते हैं। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, तत्रैकदा तद गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारिण यूथ पश्यन् सकंटकान् कीचक वेणुभेत्रवद् विशाल गुलमं प्ररुजन् वनस्पति। क्षीर सागर में त्रिकूट पर्वत था, त्रिकूट पर्वत की कंदरा में महात्मा वरुण का उद्यान था, बगीचा था। उसी बगीचे के उस जंगल के सहारे एक हस्तिराज गजराज गजेंद्र निवास करता था। सैकड़ों शक्तिशाली हाथियों का सरदार था, बहुत सी पत्नियां थी। एक बार की बात है, जंगल में भ्रमण कर रहा है, मदोन्मत्त मतवाला होके चला जा रहा था। गर्मी का समय था, प्यास लगाई। जब प्यास लगाई तो गर्मी में पानी भाप बनकर के उड़ता है। एक दिशा से जब हवा का झोंका आया, ठंडी ठंडी हवा, समझ गया यहाँ पास में कोई तालाब है। जब उस दिशा में गया तो बहुत बड़ा तालाब था। सबसे पहले अपनी प्यास बुझाई, फिर अपने बच्चों को पानी पिलाया, फिर सूंड में पानी भर भर के अपनी पत्नियों और अपने साथियों के ऊपर पानी डालने लगा। जल क्रीड़ा में उन्मत्त मतवाला, वो नहीं जानता कि कितनी बड़ी आपत्ति उसके ऊपर आने वाली है। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में आपत्ति आती है, दरवाजे खटखटा के नहीं आती कि नॉक नॉक अब आपकी बारी है, मैसेज नहीं देती, मिस कॉल नहीं देती, कॉल नहीं करती, सीधे आ जाती है विपत्ति, परेशानियां, दुख बिना बताए आते हैं। तो इतनी बड़ी आपत्ति आने वाली है बिना बताए। क्या हुआ? तत्र कश्चिन् नृपदैवचोदितो ग्राहो वलीयाश्चरणे रुषाग्रही यद्रक्षयैवं व्यसनं गतो गजो यथावलं सोति वलो विचक्रमे। एक ग्राह ने, मतलब मगर ने, एक मगर ने हाथी के पैर को पकड़ लिया और खींच करके पानी के भीतर ले जाने लगा। पानी के भीतर ले जाने लगा, हाथी डूब रहा है। एक कमल का फूल तालाब में लगा था, उस कमल के फूल को तोड़ के सूंड ऊपर की, हाथी पूरा डूब गया, सूंड दिख रही है। पूर्व जन्म में याद किया गया, स्त्रोत्र याद आता है। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरथि जजाप परमं जाप्यं प्राज्जन्मन्यनुशिक्षितम् ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादिवीजायो परेशायाभिधीमहि। पूर्व जन्म में याद किया गया, स्त्रोत्र याद आया, मन और बुद्धि को एकाग्र करके कहता है, हे नारायण, संसार के समस्त प्राणियों में स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो, चर हो, अचर हो, अंडज हो, पिंडज हो, स्वेदज हो, उद्भिज हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कोई भी, संसार के समस्त प्राणियों के हृदय में पुरुषायादि बीजायो, पुरुष रूप में आप विराजमान हैं, हे नारायण मुझे बचाइए। और ध्यान रखिएगा, जब एक भक्त आर्त भाव से भगवान को पुकारता है ना, आर्त मतलब दुखी होके, तो वो दुख भरी पुकार भगवान के चरणों तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। कभी भगवान ऐसे ना सुन रहे हो तो भाव से दो आंसू बहा देना उनके चरणों में, अपनी आंखों के आंसू उनके चरणों में गिरा देना। ऐसी पुकार तो देर से पहुंच सकती है, लेकिन रोकर के जब बुलाओगे तो उस पुकार को पहुंचने में समय नहीं लगता। आर्त भाव, दुखी होके जो पुकार हृदय से, जो अंतःकरण से जो आवाज निकलती है, तुरंत असर करती है। उसने भी अंतःकरण से पुकारा दुखी होके,
रत्नाकर कवि लिखते हैं, रमत रमा के संग आनंद उमंग भरे, अंग परे थहरी मतंग औराधे पे, कहे रत्नाकर बदन दुतियोरे भई, बूंदे छई छलकी द्रगनी नेहनाधे पे, धाये उठी वारन उबारन में लाई रंच, चंचलाहू चकित रही वही बेगी साधे पे, आवत पितुंड की पुकार मग आधे मिली, लौटत मिल्यो तो पक्षी राज मग आधे पे। जब उस हाथी ने दुखी होके भगवान को पुकारा तो भगवान क्या कर रहे थे? कहा भगवान अपने गोलोक धाम में बैठ के रमत रमा के संग, रमा मतलब माँ लक्ष्मी, माँ चंचला, माँ चपला, माँ कमला के साथ बैठ के हंसी मजाक, पति पत्नी की तरह वार्तालाप कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, मनोविनोद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भक्त की करो पुकार कानों में पड़ी, अंग परे थहरी हाथ पैर कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे अपने आप, होंठ कांपने लगे अपने आप, और फिर भगवान ने विलंब नहीं किया, धाये उठी बारन उठे और दौड़ पड़े। और जब भगवान दौड़े तो आज लक्ष्मी जी भी देख के चौंक गई। क्यों? लक्ष्मी सोचती थी कि हमारे भगवान तो बड़े नाजुक हैं, बड़े धीरे धीरे चलते हैं, फूल में चलते हैं तो फूल भी इनको गढ़ते हैं, भगवान बहुत धीमे चलते हैं। लेकिन आज लक्ष्मी ने जब नारायण की गति को देखा तो लक्ष्मी भी चौंक गई है कि भगवान को क्षण भर भी नहीं लगा और भगवान पता नहीं कहाँ चले गए। आश्चर्य में पड़ गई नारायण की इस गति को देख के लक्ष्मी। और यहाँ भगवान पहुंचे, पहुंच करके भगवान ने एक हाथ से चक्र चलाया, उस मगर का सिर काटा, दूसरे हाथ से हाथी को थपथपाया कि चिंता मत कर मैं आ गया हूं, तीसरे हाथ से उसने जो कमल का फूल तोड़ के सूंड में लगाया था उस कमल के फूल को स्वीकार किया, और चौथे हाथ से उसको पकड़ करके पानी के बाहर निकाल करके भगवान ले आए हैं। बाहर पानी के बाहर हाथी को प्रभु लाए, और इस तरह से गजराज गजेंद्र की रक्षा करके भगवान लौटने लगे। जब भगवान लौट रहे थे तो गरुण जी मिल गए। अब गरुण जी भगवान के वाहन हैं, और गरुण जी समझते हैं कि हमारे बिना भगवान तो कहीं जा ही नहीं सकते। अब गरुण जी बीच रास्ते में मिले और कहते हैं प्रभु चलो कहाँ चलना है। गरुण सोच रहे हैं कि भगवान अभी यहीं तक पहुंच पाए, तो गरुण कहते हैं कि चलो प्रभु कहाँ चलना है। भगवान ने कहा तो घर ही चलना है भैया। क्यों? कहा क्षीर सागर में त्रिकूट पर्वत में महात्मा वरुण के उद्यान में एक तालाब है, वहां से गजराज गजेंद्र की रक्षा करके लौट रहा हूं। तो गरुण जी का अभिमान भी भगवान ने दूर कर दिया, लक्ष्मी का भ्रम और गरुण का अभिमान दूर किया, गजराज गजेंद्र की रक्षा की भगवान ने। श्रीमद् भागवत जी के आठवें स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं।